कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर। नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए मौलाना फजल रहमान को नून लीग के तआवुन की यकीन दहानी। बिजली सार्फीन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली 83 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फीन को 84 अरब का इजाफी बोझ उठाना पड़ा। इजाफे का इतलाक पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा ने अप्रैल तक जून 2020 की सहमाही के लिए बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली सार्फीन से इजाफी वसूलियां 1 साल में की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी 12 और 13 फरवरी को जमा होंगे। पंजाब के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान रिटर्निंग ऑफिसर, सिंध के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर शाहान रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्ला, जबकि बलोचिस्तान के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रजाक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 15 से 16 फरवरी को होगी। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के मुजाकरात कामयाब मगर धरना जारी। तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए, गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। मुजाहरीन अपने मौके पर डट गए। और वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि मुजाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान आज किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के वफद से मुलाकात में गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म भी दे दिया।